अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सील तेरे बिन के अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूअर्स, हया ने नुरेश से बोला था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मरियम तुमसे मोहब्बत करती है। और सर व्यूअर्स, जब नुरेश घर जाता है तो अपने माँ को बोलेगा कि मैं हया से शादी नहीं करूँगा, अब मैं सिर्फ मरियम से शादी करूँगा क्योंकि वो मुझे चाहती है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि बड़ी बेगम को कहा लेगा और नुरेश के माँ बताएगा कि नुरेश के लिए हम मरियम के रिश्ता मांगेंगे और हया के ये रिश्ता ख़त्म कर देंगे। तो व्यूअर्स, ये सुनकर बड़ी बेगम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। और आप देखेंगे कि मुर्तज़िम खान जब इस बात से ख़बर हो जाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि हमने तो सारी फैमिली को ख़बर दी है तो अब कैसे ये रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब वो ये बात करती है बड़ी बेगम के, वो मरियम की रिश्ता मांगती है, तो आप देखेंगे कि फिर मुर्तज़िम खान खुश हो जाता है कि ठीक है, अब तो भी ये हम कर सकते हैं कि मरियम का रिश्ता देंगे, तो ख़ानदान के सामने हम रुस्वान नहीं हो जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि मीरब मरियम के खातिर मुर्तज़िम के सामने खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, मरियम की शादी उससे होगी जहाँ मरियम चाहेगा। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में मलिक ज़ुबैर मरियम को धोखा देगी और मलिक ज़ुबैर मरियम को कहेगा कि आप बाहर निकले, हम भाग जाएंगे क्योंकि अगर ये इस लोगों ने आपका शादी की तो हम तो भाग भी नहीं सकेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ये दोनों भागेंगे और जल्द ही मुर्तज़िम खान को पता चलेगी कि ये कौन है। और मीरब उसे बताएगा कि ये पता नहीं कि वो कौन था, मैं उसके बारे में कुछ ही नहीं जानती, लेकिन इसका नाम मुझे मरियम ने बताया था। लेकिन आप देखेंगे कि मुर्तज़िम खान जब मलिक ज़ुबैर का तस्वीर मीरब को दिखाएगा तो मीरब कहेगी कि हाँ ये शख्स था, तो फिर आप देखेंगे व्यूअर्स के बहुत बड़ा मसला बन जाएगा और मुर्तज़िम खान मीरब को बताएगा कि मीरब ये वो शख्स है जिसने तुम्हें किडनेप की थी। व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल अखलास टीवी को सब्सक्राइब